सुनो दिनेश की वोरा चैल फाइंडी पे आपका स्वागत है। ट्रंप साहब कल भारत आ रहे हैं, भरपूर स्वागत किया जाएगा अहमदाबाद में, फिर वो आगरा जाएंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। लेकिन कोई ट्रेड का समझौता नहीं होगा सिवाय इसके कि कुछ हथियार वो बेचेंगे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान उसी को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। लेकिन ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है और वो अपना माल तो बेच जाएंगे, हमें क्या मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अगर ट्रेड डील ही नहीं हो रही है कोई इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो फिर हमें क्या फ़ायदा। हम 100-150 करोड़ रुपए अहमदाबाद में उनके स्वागत के लिए लगा रहे हैं, 3.5 घंटे का स्टे है। फिर मुश्किल से छोटा मोटा स्टे उनका आगरा में ताजमहल देखने का है, वहाँ भी इतने पैसे लगा देंगे तो क्या मिलेगा। तो 400-500 करोड़ इंडिया विजिट में लगाएंगे, हमें मिलने वाला क्या रिटर्न के अंदर, कुछ काउंट किया है। और अब देखिए ट्रंप ने, उनके ऑफिशियल्स ने कह दिया है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस हैं, ट्रंप टू ब्रिंग अप रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया US ऑफिशियल्स। आप साथ में मैंने क्लिप लगाई उसकी, आप देख सकते हैं। कमाल इस बात का है कि अमेरिका ने कह दिया है कि हम यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट की बात करेंगे और NRC की बात करेंगे। अब क्या इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत होगी अमेरिका से ये कहने की कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता इंडिया में हिम्मत हो पाएगी, क्योंकि इंडिया ने टर्की को जवाब दिया था, मलेशिया को जवाब दिया था, हालांकि उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर अल्टीमेटली क्या इंडिया ट्रंप के सामने बैठ के बात कह पाएगा कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल मत दीजिए? नहीं कर पाएगा हिम्मत इंडिया, क्योंकि ट्रंप भी बड़े आदमी हैं, वो अमेरिका है, हम हिंदुस्तान है, फर्क है दोनों में, फर्क को समझने की जरूरत है। लेकिन अगर अमेरिका ये बात करता है तो अनईज तो होना आवश्यक है, परेशानी तो इंडियन ऑफिशियल्स में या इंडियन जो विदेश मंत्रालय में प्रधानमंत्री को होना आवश्यक है। तो क्या इंडिया ये परेशानी झेलने को तैयार है? मलेशिया को जवाब दिया था, पाम ऑयल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, अपने पैरों पे हमने कुल्हाड़ी मार ली, उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं आम इंसान, वो एक अलग एपिसोड में आपको बताऊंगा मैं। एर्डोगन जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी इंडिया ने जवाब दिया, लेकिन वहां भी इंडिया को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसके लिए मैंने एक एपिसोड किया था, आप देख सकते हैं उसको आप। तो ये हालात पैदा हो रहे हैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर कि जो आ रहा है वो हमको इस बात पे आगाह कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कि धर्म के ऊपर जो फ्रीडम है उसके ऊपर आप कुठाराघात मत कीजिएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। कैसा लगा आपका एपिसोड? अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।